युग की सबसे शुभ घड़ी आ गई, प्रारंभ हो गया दिव्य शून्य काल। श्री नारायण, हम परम सौभाग्यशाली हैं, हमारे पुत्र के रूप में आप स्वयं पधारे हैं। यदि मैं कारागार से बाहर होता तो ब्राह्मणों को 10,000 गायों का दान करता, किंतु प्रभु मैं बंधन में हूं। प्रभु, कंस को जैसे ही आपके आगमन का समाचार ज्ञात होगा, आपके प्राण हरने वो तुरंत अपनी नग्न तलवार लहराते हुए चला आएगा। हे दीनदयाल, आप तो भक्तों के भय का नाश करने वाले हैं, परंतु प्रत्येक क्षण मेरा भय और भी बढ़ता जा रहा है। मेरे क्रूर भाई ने निरंतर मेरी ममता की हत्या की है। तो अब और नहीं प्रभु, कोई ऐसी लीला दिखाई ताकि उस पापी को आपके जन्म के विषय में पता ही ना चल पाए। आपके इस अलौकिक चतुर्भुज रूप का समाचार उनके क्रोध की ज्वाला को और भड़का देगा, और वो आपका वध करने के लिए सेना सहित यहां आ जाएंगे। इसीलिए हे जगदीश, आप सामान्य बालक के रूप में प्रकट हो जाइए कि मैं आपको छुपाने की चेष्टा कर सकूं, या मैं कंस को यह विश्वास दिलाने का प्रयास कर सकूं कि उन्हें आपसे कोई संकट नहीं। दया कीजिए भगवान। Yeah.
माँ, पिताजी, पिछले जन्म में 12 सहस्र वर्षों तक आपने कठिन तपस्या की थी। मूसलाधार वर्षा, घनघोर आंधी, चिलचिलाती हुई धूप और अस्थियां जमा देने वाली ठंड, सभी कष्ट सहे थे आपने, केवल इसलिए कि आप मुझे पुत्र रूप में प्राप्त कर सके। और आज जब मैं आपके सामने हूं, तो आप कंस के भय से व्याकुल हैं और पुत्र के रूप में एक सामान्य बालक चाहते हैं। मेरे माता पिता होने के नाते आपकी इच्छा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। मैं एक सामान्य बालक का रूप धारण करूंगा। आपको मेरे लिए चिंतित होने की और कंस से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। मेरा जन्म पृथ्वी पर धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए ही हुआ, किंतु अभी समय कम है। पिताजी, इससे पहले कि कंस यहाँ आए, आप मुझे लेकर यमुना पार चले जाइए और वहां गोकुल में अपने भाई नंद के संरक्षण में मुझे छोड़ दो। उनके यहाँ जन्मी पुत्री को यहाँ ले आई, उसके प्राणों की चिंता मत कीजिए मां। जो हो रहा है मेरी ही लीला है। अब जाइए पिताजी, शीघ्रता कीजिए। क्या करना है ये तो आपने बता दिया, किंतु कैसे करना है ये नहीं बताया। पीढ़ियों में जकड़ा हुआ कारागार से बाहर कैसे जाऊंगा? योगमाया को जन्म देते ही मैया यशोदा अचेत हो गई, किंतु अपनी सुध-बुध खोने वाली वो अकेली नहीं थी। इससे पहले कि कोई नन्ही योगमाया को दृष्टि भर कर देख पाता, संपूर्ण गोकुल उनकी किलकारियों के प्रभाव से गहरी निद्रा में सो गया। योगमाया को जन्म दे, यशोमती हुई निधान, कोख जनीना लख सकी, समय की ऐसी चाल, समय की ऐसी चाल। उधर मथुरा में वसुदेव अचरज में थे कि नन्हे प्रभु को बंदी गृह से बाहर कैसे निकाला जाए। अब केवल श्री विष्णु की माया ही इनकी सहायता कर सकती थी। प्रभु की आज्ञा का पालन कैसे संभव होगा? संपूर्ण कारागार पहरेदारों से भरा पड़ा है।
उधर मथुरा में वसुदेव अचरज में थे कि नन्हे प्रभु को बंदी गृह से बाहर कैसे निकाला जाए। अब केवल श्री विष्णु की माया ही इनकी सहायता कर सकती थी। प्रभु की आज्ञा का पालन कैसे संभव होगा? संपूर्ण कारागार पहरेदारों से भरा पड़ा है। समाचार है? समाचार ये है, दुर्जन किंतु ये बेड़ियां कैसे खुलेंगी? द्वार देव की, क्या ये द्वार भी? प्रभु की लीला अपरंपार है। सारे साधन प्रभु ने स्वयं ही संभव कर दिए। मुझे तो केवल इन्हें भाई नंद के घर तक ले जाना है। देवकी, मैं समझ सकता हूं अपने पुत्र से बिछड़ना तुम्हारे लिए कितना कष्टदायक होगा। लो, इन्हें एक बार अपनी गोद में ले लो। एक बार इस मां ने अपने पुत्र को अपने हाथों में थाम लिया तो फिर स्वयं से दूर नहीं कर पाएगी। अब मैं इन्हें अपने हृदय से तब लगाऊंगी जब ये मेरे पास वापस लौट कर आएंगे। जाइए स्वामी, हमारे पास अधिक समय नहीं है, जाइए। रख चट्टान कलेजे पर पुत्र विमुख हुई मां कोख से जिनकी जन्मले थे धन्य परमात्मा।
दूध भी नहीं पिलाया था। इतनी दूर हुक्का ही भेज दिया। पहला करता फिर भी नहीं निभा। नवलीला का आरंभ किया पर थे लीलाधर दुविधा में, मिलन को व्याकुल मैया से पर माँ को छोड़ कर पीड़ा में, पर माँ को छोड़ कर पीड़ा ही लीला है। तब जाइए पिताजी, शीघ्रता कीजिए। Oh,
भटकने लगे वसुदेव, अंधकार चहू सामने संकट गोद में हृदय की डो। दृश्य देख घबराए देव हुए खड़े सर जो, कैसे करे सहायता उनमें लग गई हो। प्रभु को लक्ष्य कर मही की ममता उमड़ आई, विपत सम्मुख देख के वे पाताल से उभर आई, वे पाताल से उभर आई। यमुना तो उफान पर है, ऐसे में पार जाने का प्रयत्न करना प्रभु के लिए सुरक्षित नहीं होगा। आप मुझे लेकर यमुना पार चले जाइए और वहां गोकुल में अपने भाई नंद के संरक्षण में मुझे छोड़ उनके यहाँ जन्मी पुत्री को यहाँ ले आइए। प्रभु ने स्वयं को गोकुल ले जाने का आदेश दिया है तो सुरक्षा भी यही करेंगे। कोमल से तन को वर्षा लगे कटार, देख दौड़ चले आए शेष मन प्रभु सेवा को जग रक्षक पर, रक्षा की छतरी छाई पीछे पीछे चले शेष बनकर प्रभु की परछाई। Thank you.
आप सभी की भांति मैं भी शुभ कार्य में प्रभु का सहायक होना चाहता हूँ। मैं वरुण, जल तत्व के संचालन का अधिकार है मुझे, किंतु गंगा, यमुना और सरस्वती इन तीनों दिव्य नदियों के जल पर इन्हीं तीनों देवियों का नियंत्रण है। इस परिस्थिति में केवल देवी यमुना ही सहायता कर सकती है। देवी यमुना के आह्वान में तो समय लगेगा, तब तक वासुदेव जल के भीतर जीवित कैसे रहेंगे? वसुदेव के पग थमे जब जल आया ऊपर शीश, डरे देव बोले दो रक्षा। जब किया प्रभु चरणों का स्पर्श, कर प्रणाम पथ दिया, सब में छा थमी बादल छटे आकाश में चमके तारे, पंचतत्व सहाय बने अब वरुण चरण पखारे। आपकी महिमा को प्रणाम नारायण। लीला अद्भुत है प्रभु। अपने पुत्र की प्राण रक्षा के लिए मैं एक निर्दोष बालिका को उसकी मां से दूर
मृत्यु के मुख में कैसे ले जाऊं? जो हो रहा है मेरी ही लीला है। अब जाइए पिताजी, शीघ्रता कीजिए। किंतु जिस कार्य के लिए श्री नारायण ने मुझे स्वयं आदेश दिया है उस पर प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं है मुझे। मुझे क्षमा करना कन्या, मैं श्री नारायण का दास हूं। ये इन्हीं की लीला है और इन्होंने तुम्हें यहां से ले जाने के लिए कहा है, तो कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। यहाँ बाल गोपाल को अपनी मैया के हृदय से लगने की प्रतीक्षा थी, तो कारागार लौटते समय वसुदेव को कंस के आधमकने का भय था। कंस इस बात से अनभिज्ञ था कि वो अपनी सोच से कोसों परे एक अद्भुत अकल्पनीय घटनाक्रम की ओर खींचा चला जा रहा है। दूसरी ओर मैया यशोदा भी खींची जा रही थी धीरे धीरे मरणावस्था की ओर। ऐसे में उनके पुत्र श्री नारायण से रहा नहीं गया।
लल्ला। पुत्र का रुदन सुन मैया का हृदय इतना तड़प उठा कि मरणावस्था भी उन्हें रोक ना पाई, उनके तन में प्राण लौट आए। उधर मथुरा में कंस देवकी और वसुदेव की आठवीं संतान के प्राण लेने पहुंच गया। शिशु मुझे सौंप दे देवकी। नहीं, क्या अनुचित है? अनुचित सत्य कह रही हो देवकी, पर यही श्री नारायण की इच्छा है और हमें उनकी लीला पर ना प्रश्न करना चाहिए और ना ही संदेह। वचन के अनुसार अपनी आठवीं संतान मुझे सौंप दो वसुदेव। अबोध कन्या आठवीं संतान, तू क्या मेरा विनाश करेगा? एक एक तेरे सामने तेरा काल खड़ा है। भय जिसका अस्त्र था, आतंक जिसका शस्त्र था, जो सभी को डराकर अब तक उनके मन मस्तिष्क पर राज करता आया था, देवी योग माया ने उसे ही आतंकित कर दिया। कंस के हृदय को ही नहीं, उसकी आत्मा को भी भयभीत कर दिया। मैं वरदान देता हूं
आज के बाद जो व्यक्ति किसी भी विपदा में देवी योग माया को दुर्गा, भद्रकाली, विजया वैष्णव, कुमुद चंडिका, कृष्णा माधवी, कन्यका माया, नारायणी ईशानी, शारदा और अंबिका, उनके किसी भी नाम अथवा स्वरूप में स्मरण करेगा, उसके हृदय से भय तुरंत मिट जाएगा और उसके शत्रु का हृदय भय से व्याकुल हो जाएगा।